मायर भूमि के सपूत स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी मालू के दिव्य सानिध्य में सामूहिक अस्थि प्रवाह का कार्यक्रम विकास कुमार विनीत कुमार जी मालू परिवार के द्वारा पूरे जिले में चलाया जा रहा है। और अब सुजानगढ़ से भी ये निःशुल्क बस रवाना होगी। 20 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। श्री विकास कुमार जी मालू के आर्थिक सौजन्य से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके इष्ट मित्र मुमताजी टीटी, संतोष अंचलिया, जितेंद्र सिंह जी राजवी और टीम अनिल शर्मा बहुत समर्पित भाव से जुटी है। सुजानगढ़ में सरपंच सविता जी राठी के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत ही पुण्यदायक कार्य के लिए बैठक हो रही है। आप सबको पता है कि लोकडाउन के दौरान जिन लोगों का देवलोक गमन हुआ था उनकी अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। ऐसे में सरदार शहर के जानमाने भामाशाह इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के निर्माता परिवार मालू परिवार के द्वारा उन तमाम पुण्यात्माओं के अस्थियों का विसर्जन निःशुल्क रूप से करवाया जा रहा है। बसें भेजी जा रही है, 1000 से ज़्यादा लोगों को भेजा जा चुका है, 27 से ज़्यादा बसें जा चुकी हैं। और इस कार्य में जो प्रमुख सूत्रधार हैं शोभा गांजी स्वामी और मालू परिवार के इष्ट मित्र मुमताज जी, संतोष जी आंचलिया और इस यात्रा के जो संयोजक हैं जितेंद्र सिंह जी राजवी और सविता जी राठी, जिनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। यात्रा का पूरा कार्यक्रम जितेंद्र सिंह राजवी देख रहे हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है सरदार शहर के जाने माने। इस अवसर पर राजस्थान पत्रिका संवाददाता कैलाश जी शर्मा भी मौजूद हैं, जो रेलवे के लिए सुजानगढ़ की तरफ से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर राकेश गुर्जर भी उपस्थित हैं। यह सरदार शहर का दृश्य आप देख रहे हैं। विधायक पंडित भवनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर हरिद्वार के लिए बस रवाना कर रहे हैं। विकास कुमार विनीत कुमार मालू परिवार के द्वारा ये निःशुल्क बसें भेजी जा रही है। जिन दिवंगत आत्माओं की अस्थि विसर्जन नहीं हुआ था लॉकडाउन के दौरान, उनके लिए बसें पूरे चूरू जिले से रवाना की जा रही है। चूरू से आप देख रहे हैं हरिद्वार के लिए ये बस रवाना की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर संदेश नाइक और चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी रवाना कर रही है। इस अवसर पर आप देख रहे हैं मुमताज जी, जितेंद्र राजवी जी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। हरी झंडी दिखाई जा रही है बस को। हरिद्वार के लिए लोग बसों में सवार हो रहे हैं अपने परिजनों के अस्थि विसर्जन के लिए। यात्रा में खाने पीने और पंडित की दक्षिणा, तमाम खर्चा मूलचंद जी विकास कुमार जी मालू परिवार के द्वारा दिया जा रहा है। यह दृश्य रतनगढ़ का है। यहाँ से भी मालू परिवार के सौजन्य से हरिद्वार के लिए अस्थि विसर्जन बस रवाना की जा रही है। इस अवसर पर विधायक अभिनेश महर्षि भी मौजूद हैं। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, इस समय हम कोरोना के काल में गुजर रहे हैं, कोरोना के काल में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और हमने 2.5 महीने तक लॉकडाउन का पालन किया और अभी भी हम जानते हैं कि जिंदगी पूरी ट्रैक पे नहीं है। ये बहुत सारे प्रतिबंधों में, पाबंदियों में हम जी रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे कार्य बाधित हुए थे। उसमें सबसे बड़ा जो बाधा का काम हुआ, लॉकडाउन के दौरान अनेक लोगों का देवस्थान हुआ, स्वर्गवास हुआ और ऐसे में यात्रा के लिए कोई साधन नहीं था। बसें, ट्रेनें, हवाई जहाज सब कुछ बंद थे। ऐसे में जिन लोगों का स्वर्गवास हुआ उनकी अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम नहीं हुआ और एक पुनीत सोच विकसित हुई। सरदार शहर के जाने माने भामाशाह परिवार श्री मूलचंद जी मालू के सुपुत्र विकास जी मालू के दिमाग में, और हम ये भी जानते हैं कि ऐसे कार्य के लिए कोई न कोई व्यक्ति प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है और वो प्रेरक टीम इस समय यहाँ पर आज सुजानगढ़ में आदरणीय सविता जी राठी के निवास स्थान पे पहुंची है, जिसमें विकास जी मालू के परम मित्र मुमताज जी मेरे साथ है। मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा। मुमताज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम मालू परिवार चला रहा है, कितना पुनीत कार्य लग रहा है आपको? जी, मुझे ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के सभी लोगों को ये सबसे बड़ा पुनीत कार्य लगता है, क्योंकि सनातन धर्म में जब तक किसी मृत आत्मा की अस्थि प्रवाह नहीं की जाती है तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि मृत आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो जाए तो वो अपनी जो गति होती है उसको प्राप्त कर लें, इससे बड़ा पुनीत काम तो कोई हो ही नहीं सकता। और इसी के अंतर्गत जब उन्होंने ये सेवा शुरू की तो उसके तहत अभी तक हम 3 बसें रतनगढ़ से, 2 बस चूरू से व 21 बस सरदारशहर से भेज चुके हैं, जिसके तहत लगभग 1000 लोग
अभी तक हरिद्वार जाके आ चुके हैं और अपने परिजनों की अस्थियों का प्रवाह कर सके हैं। और इस सेवा के अंतर्गत हम लोग बिल्कुल निःशुल्क बसें भेजते हैं जिसमें एक परिवार के 2 सदस्य भेजे जाते हैं, तो उनके खाने का और पीने के पानी का व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जाती है। और हरिद्वार पहुंचने पे उनको चाय, नाश्ता व भोजन, उसके बाद में जो दक्षिणा दी जाती है वहाँ पे पंडित लोगों को, वो दक्षिणा भी हमारे कुबेर गुरु द्वारा ही दी जाती है। तो हम ये चाहते हैं या विकास ये चाहते हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति कम से कम इस वजह से वंचित नहीं रह जाए कि वो लॉकडाउन की वजह से हरिद्वार अपने परिजनों की अस्थियों का प्रवाह नहीं कर सका है। इसलिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और इसमें उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, उनकी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है कि लोगों को हरिद्वार पहुंचाया है। इसी के अंतर्गत आज हम सुजानगढ़ क्षेत्र के जानी मानी हस्ती श्रीमती सविता जी राठी के निवास स्थान पर आए हैं और उनसे कोऑर्डिनेट किया है और आगे इनसे बात करके सुजानगढ़ से हरिद्वार के लिए अस्थि प्रवाह के लिए बसें चलाने की प्लानिंग की जा रही है, जो शीघ्र ही शुरू करेंगे। बिल्कुल, आपने पूरी जानकारी सुनी। वैसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लगातार पढ़ रहे हैं कि ये कार्य बहुत अच्छे से सदासर के ये टीम जो है, संतोष जी है, मुमताज जी है, जितेंद्र जी है और शोभाकांत जी स्वामी है, ये टीम बहुत अच्छे से कर रही है। और निश्चित रूप से देखिए, अभी भी हरिद्वार के लिए कोई साधन न तो रोडवेज में शुरू है न प्राइवेट बसों में हुआ है, ऐसे में ये जो कार्य है वो निश्चित रूप से बहुत ही पुनीत कार्य है और पितरों की सेवा, क्योंकि पितर देवता के समान है और पितरों की सेवा से अच्छा कोई कार्य हो भी नहीं सकता है। आइए अब सविता जी से बातचीत करते हैं जिनको इस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है ताकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य संचालित किया जा सके। मेरे साथ अब श्रीमती सविता जी राठी है और जो कार्य इनको सौंप दिया जाता है उसमें सफलता की गारंटी मानी जाती है, क्योंकि आप हर कार्य का संयोजन बहुत अच्छे से करती है और अनेक कार्य इस क्षेत्र में आपने किए भी हैं। मैं बातचीत करना चाहूंगा सविता जी राठी से। मैडम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मालू परिवार और आपके यहाँ पर जितने भी सदस्य के समाजसेवी लोग हैं, इस कार्य को आप कितना पुनीत मानती हैं? हमारी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार हम अपने पूर्वजों को जो हमारे यहाँ से गतिमान हो चुके हैं, अन्य अपनी जो और उनकी जोन है उसके अंदर, उसमें हमारी मान्यता काट्य विश्वास है कि हम उन्हें हरिद्वार लेकर जाते हैं और फिर उनका प्रस्थान करवाते हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो सके। ऐसा हमारा विश्वास हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बीच में, जो कि अटल ज्वाला के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होता है। और ये कोरोना काल एक ऐसा समय आया जिसमें कि कई घरों में, जहां उनके पूर्वज जो है जिनकी अस्थियां घरों में ही रह गई, एक पीड़ा का समय, और उस पीड़ा में भी ये पीड़ा कि वे इस अस्थि कलश को हरिद्वार माँ गंगा के आंचल में नहीं दे पाए। इस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय विकास जी, मालू साहब को, मालू परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उन्हें साधुवाद देना चाहूंगी और उनकी पूरी टीम को, माननीय मुमताज जी, स्वामी जी, माननीय जीतू जी, सभी को मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगी जिनके द्वारा ये विचार उनके मानस पटल पर स्थापित किया गया। और इस विचार से हम देख रहे हैं जैसे कि 27 बसों के द्वारा अभी तक लगभग 1002 यानी कि लगभग 500 अस्थि कलश हरिद्वार में इनके द्वारा भिजवाए जा चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति इस समय हमें देखा है कि पूरे भारत के अंदर लोगों ने अपनी दान परीक्षा, दानवीर अपने आप को साबित किया है। चाहे पड़ोसी अगर भूखा है तो किसी ने भूखा नहीं सोने दिया। माननीय हमारे गहलोत साहब की एक शुरू की लाइन थी, कोई परिवार भूखा न सोए, उससे भी आगे बढ़कर मालू परिवार ने एक उस गति को भी साक्षात किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए गाड़ी हो लेकिन मृतात्मा हुतात्माओं के लिए भी जो है ये कार्य संपन्न हो सके। तो मैं सबसे आह्वान करना चाहूंगी कि जहां कहीं भी उन्हें पता चले, जिस किसी भी तरीके से उन्हें अगर मालूम चले, इस पुण्य कार्य को फलीभूत करने के लिए कृपया सहयोग दें ताकि जो पुण्य के भागी विकास जी मालूम आप भी हो सकते हैं और आप ये हमें सूचना देवें। मेरे नंबर है 9414086610। मुझे भी आप ये सूचना दे सकते हैं। साथ में आप नवीन सेन हैं जो कि हमारे यहाँ कंप्यूटर
का काम करते हैं वो है 8875257571। इनके पास भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एक अस्थि कलश के साथ, जैसा कि एक व्यक्ति जा सकते हैं। और साथ में माननीय कैलाश जी शर्मा, जिनकी की सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक पत्रकार के अलावा भी संपूर्ण भूमिका हमने देखी है पिछले 40 सालों से, समाज सेवा के अंदर चाहे रेलवे का काम हो चाहे कोई भी काम हो, हमेशा तत्पर रहते हैं और उसी तत्परता के साथ आज वो हमारे साथ शामिल है। वो भी जानी मानी हस्ती है सुजानगढ़ की, जिनसे भी संपर्क किया जा सकता है। जिस किस तरीके से चाहे गांव देहात ढाणी जहां कहीं से भी, ये जरूरी नहीं सिर्फ सुजानगढ़ के ही लोग इसमें जा सकते हैं, आसपास लाडनू जसवंतगढ़ बिदासर जहां कहीं से भी किसी भी ढाणी से व्यक्ति आकर संपर्क कर सकते हैं, फोन से संपर्क कर सकते हैं। और जिस दिन 20 अस्थि कलश हो जाएंगे एक बस यहाँ से रवाना हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है एक बस, हम मालू परिवार से निवेदन करेंगे कि सुजानगढ़ के लिए वे जितनी सेवाएं दे सके उतनी सेवाएं लगातार चलती रहे। जितने भी अस्थि कलश होंगे उन्हें हरिद्वार जैसी पुण्य भूमि में माँ गंगा मैया के हृदय में उसकी गोद में ले जाने के लिए अतपर और आतुर जितने परिवारजन है सभी से मेरा निवेदन है कि संपर्क करें और इस बात को तस्दीक करें कि उनका जो ये विश्वास है, इस अकाट्य विश्वास के लिए ये मालू परिवार तत्पर है, हम सभी आपके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार प्रकट किए हैं। सही है कि अब तक लॉकडाउन के दौरान जितना भी कार्य हुआ था वो जीवित लोगों के लिए हुआ था, लेकिन मालू परिवार वो परिवार है जिन्होंने मृत आत्माओं को यानी पितरों के लिए एक महान सोच रखी है और 1000 से ज्यादा लोगों की जो अस्थि है उनको हरिद्वार में प्रवाहित किया जा चुका है, यानी मोक्ष की तरफ उनको भेजा गया है। और ये कार्य अब सुजा क्षेत्र में भी हो रहा है, जिसके लिए मैं जो नंबर डाल रहा हूँ आपके मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें आप देख सकते हैं और उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुजा क्षेत्र के नहीं है, चूरू जिले में नहीं, जिले से बाहर भी कोई कार्यक्रम देख रहे हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा देंगे। उनको जैसे ही गाड़ी का डेट तय होगा हम उसकी सूचना आप तक पहुंचा देंगे, या आप जब फोन करेंगे आपको बता दिया जाएगा कि अमुक तिथि पर आपको गाड़ी में रवाना होना है और ये सारी जानकारी आपको पहुंचा दी जाएगी। यह था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम। आज सरदार सर की टीम सुजानगढ़ में सविता जी राठी के निवास स्थान पर पहुंची। मूलचंद जी मालू के पुत्र विकास जी मालू के द्वारा लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का स्वर्गवास हुआ था उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पाया था क्योंकि ट्रेनें बसें सब कुछ बंद थी और हरिद्वार के लिए अभी भी बसें या ट्रेन का कोई साधन नहीं है, तो पूरे जिले से 1000 से ज्यादा लोगों को ये ऐसा पुनीत अवसर दे चुके हैं और लगभग 27 गाड़ियां रतनगढ़ सदासर चूरू क्षेत्रों से रवाना हो चुकी है। अब ये टीम आज सुजानगढ़ आई है और सुजला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जिनके घर में किसी बुजुर्ग का देहांत हुआ है या जिनका अस्थि विसर्जन नहीं हुआ है उनके लिए सुजानगढ़ से बस सेवा शुरू की जा रही है। इसके लिए सविता जी राठी को ये भार सौंपा गया है और हम इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप इन कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपने आपको अगर हरिद्वार जाना है तो इसकी आपको सूचना दे दी जाएगी। ऐसे सुधर में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।